सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज योर होस्ट रक्षा नदीप, एंड यू आर वाचिंग रक्षा वर्ल्ड। तो आज हम लोग मौजूद हैं पेशावर में, और हम आप लोगों को बताएंगे और सीरीज वालों को बताते हैं कि पेशावर में जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। तो आज हम लोग इसके मेन बाजार में मौजूद हैं, अशनबरी में। और जैसे कि आप लोग पीछे मेरे देख रहे हैं, मेन गेट अशनबरी का, इस तरह अशनबरी का मतलब है आठ गेट वाली नगरी। तो ये सारे एक्सपीरियंस आप ब्लॉग इस पर बनाएंगे, और जो कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस आते हैं अशनबरी अंदरून शहर में वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। साथ साथ ये जो फूड का आइटम हो गया, फूड ट्रेल भी आगे एक आती है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो सर ये होल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करेंगे, और सिटीज़ वालों को बताते हैं कि हमारा भी पेशावर शहर बहुत ही खूबसूरत है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, लेट्स डू इट। जी तो व्यूअर्स, जैसे हम लोग करीमपुरी की तरफ जा रहे हैं, अशनबरी का हमने सारा जो रूट है वो कवर किया है। तो ज़्यादातर जो अशनबरी में जैसे आप इंटर होंगे, ज़्यादातर गोश्त वगैरह की दुकान है, और जितना भी गाय वगैरह का स्पेयर पार्ट है वो सारा उधर मिलता है। तो अभी आए हैं आगे करीमपुरा, यहाँ औरतें ज़्यादातर ख़रीदारी करती, ज़्यादातर ये जो बर्तन मर्तन हो गए या कपड़े वगैरह हो गए वो सारा है। तभी आगे भी थोड़ा बहुत आप लोग बताते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी हम लोग अशनबरी से आ गए हैं, करीमपुरा बाज़ार मौजूद है, जो कि पेशावर का दिल कहा जाता है। इधर हर किस्म की जो शॉपिंग की चीज़ें वो अवेलेबल होती है, तो बहुत से लोग रोज़ाना इधर जो आस पास के रिहायशी वो आती शॉपिंग करते हैं। तो हम गुजर रहे थे, तो हमें एक चाट वाली शॉप नज़र आई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे नज़दीक शॉप वाली दुकान है, ये है शॉप वाली दुकान, तो वैसा चाट की दुकान है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा होता है, हर टाइम इधर लोग आते जाते रहते हैं, तो ये टेस्ट भी करते हैं। वैसे टेस्टी है ऐसा, तो मुझे ये खट्टी मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। इधर एक बच्चा भी आया, ये भी खा रहे हैं। टेस्ट कैसा है? बहुत मज़ेदार। हाँ, बहुत मज़ेदार। आप इधर के रहने वाले? तहसील का रहने वाले। तहसील का रहने वाले, और इधर साइकिल पे आए ये खाने के लिए। टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते। ऐसे रिएक्शन होते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही है, ये हीरो है, ये सारे लोग देख रहे हैं, ये देखे, ये एक ये भी है, ये फिल्म की शूटिंग थी। जी देखिए, और जैसे हम लोग कैंटागर में मौजूद है, और ये रास्ता जो कैंटागर की तरफ जाता है, और इधर फूड ट्रेल है, और इधर करीमपुर है, जिधर से हम लोग आते हैं, तो हम लोग फूड ट्रेल जाते हैं, उधर की वीडियो बनाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, फिल्म की शूटिंग है, खड़े हैं।
देखिए कौन कौन कहते हैं कि नहीं। सवाई पगे हाँ वो है पगे सका था। ये तो यार यहाँ के रहने वाले जी। तो व्यूअर्स अभी हम लोग फूड ट्रेल में एंटर कर लिए और हमारे इस साइड पर भी देख सकते हैं और इस साइड पर भी देख सकते हैं, फिश ही फिश है, तो फिश के कोई शॉट चेक करने। तो मौसम आहिस्ता आहिस्ता अच्छा हो रहा है और अभी हम लोग फूड ट्रेल में ही है, आगे जा रहे हैं आगे, देखते हैं आगे क्या होता है। एक तरह का वीडियो बनाने का ये होता है, वीडियो बनाओ सारे आके एड़ गिर खड़े हो जाते हैं, आपको पता नहीं क्या नई चीज़ कर रहे हो। तो देखते हैं, ये फूड ट्रेल है, थोड़ी सी फूड ट्रेल भी आप लोगों को बता देते हैं। चौकियातगार में खड़े हो, इधर सर आपका बाजार है, इधर करेंसी एक्सचेंज वाले हैं और ये जो ये रास्ता देख रहे हैं ये जो फेमस किसाखानी बाजार की तरफ जाता है और इस साइड पे मस्जिद महबद अली खान के बारे में आप लोगों को बताते हैं। मस्जिद महबद अली खान में मौजूद हैं और इधर की थोड़ा सा ओवरऑल देखें, अभी नमाज के टाइम है तो ज़्यादा ऊँचे नहीं पहुँच सकते क्योंकि ये मस्जिद के अखलाक के ख़िलाफ़ है। तो ये अभी देख रहे हैं मस्जिद महबद अली खान है, तो इसके हम लोग शॉर्ट्स आप लोग को बताते हैं क्योंकि ज़्यादा हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते। बढ़िया बढ़िया।